दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ROC और ROE के बारे में, जानेंगे इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है और भी बहुत कुछ। दोस्तों ये वीडियो हमारी फाइनेंशियल क्लासेस सीरीज का 6th वीडियो है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जाकर उन वीडियोस को देख लें। इन वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए ताकि हम अपने पैसे का सही शेयर खरीद सकें। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको आगे की वीडियो के फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात करते हैं सीधा मुद्दे की। दोस्तों किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो पैसा या तो आपके पास खुद का हो सकता है या आप किसी और से उधारी लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी पैसे को कैपिटल कहते हैं और इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला शेयर होल्डिंग का जिसको हम इक्विटी कहते हैं और दूसरा उधारी का जिसको हम डेट कहते हैं। कंपनी के केस में वो पैसा जो कंपनी को अपने शेयर होल्डर से मिलता है, जिस पर उसको कोई ब्याज नहीं देना होता, उसको इक्विटी कहते हैं। उस इक्विटी पर यानी के शेयर होल्डर के पैसों पर कंपनी साल भर में जो रिटर्न बनाकर देती है यानी कि जो पैसा कमाती है उसी को ROE कहते हैं। लेकिन कंपनी को कई बार बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में कई बार कंपनी को बैंक से लोन लेना होता है, इस लोन पर उसको ब्याज भी देना होता है। तो ऐसा तमाम पैसा जो कंपनी के पास है यानी कि इक्विटी का प्लस लोन का, इन सारे टोटल ओवरऑल पैसों पर कंपनी जो रिटर्न बना कर देती है इसी को ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है जिसके पास 100 करोड़ रुपए की इक्विटी है और 100 करोड़ रुपए वो बैंक से लेती है, तो 100 करोड़ इक्विटी पर उसने कितना पैसा कमाया उसको ROE कहते हैं, जबकि कुल 200 करोड़ कैपिटल पर उसने जो पैसा कमाया उसको ROCE कहते हैं। अब मान लेते हैं कि 200 करोड़ कैपिटल पर आपने साल भर में बिजनेस करके 100 करोड़ कमाया, तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल निकला 50% का। इस 200 करोड़ के कैपिटल पर 100 करोड़ ही आपका इक्विटी है, बाकी के 100 करोड़ तो आपका लोन है। तो इस 100 करोड़ के ऊपर आपने जो रिटर्न कमाया उसको ROE कहते हैं यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। हम जब भी फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो ROCE और ROE ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसको हम ज़रूर कंसिडर करते हैं। अब इन दोनों में से आपको कौन सा रेशियो कंसिडर करना है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिस भी कंपनी के ऊपर उधारी नहीं है उस कंपनी का आपको ROE चेक करना है, और जिस कंपनी के ऊपर उधारी है उसका आपको ROCE चेक करना है, क्योंकि ROE कंपनी के नेट प्रॉफिट पर निकलता है जबकि ROCE कंपनी की EBIT यानी के EBIT पर निकलता है। यही वजह है कि कंपनी की उधारी ज़ीरो होने पर भी ROE और ROCE ये दोनों फिगर अलग अलग होते हैं। अब ROE का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी इंटू 100, जबकि ROCE के केस में ये है EBIT यानी के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। EBIT यानी कि वो प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट और टैक्सेस ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। अब क्योंकि ROCE के केस में उधारी है तो ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे की बात हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।